शांति। हेडिंग दिया है ब्रह्मा बाप की विशेष शिक्षा। बाप दादा दोनों के स्मृति स्वरूप बनो, फॉलो फादर करो। आज के दिन सभी के मन में विशेष ब्रह्मा बाप की याद समाई हुई है। आज के दिन विशेष यादगार है ब्रह्मा बाप के साकार से अव्यक्त रूप में पार्ट बजाने का। तो अमृत वेले से लेके बाप दादा ने देखा हर बच्चे के मन में विशेष ब्रह्मा बाप आंखों में समाये हुए थे। आज के दिन ही यादगार में ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में पार्ट बजाने के निमित्त बने। साकार रूप में बाप के साथ मिलन मनाने वाले बच्चे थोड़े थे। उनों के मस्तक में ब्रह्मा बाप के चरित्र और बोल वरदान स्मृति में हैं। बलवा थोड़े थे, अभी वृद्धि ज्यादा है, लेकिन अभी भी अव्यक्त रूप में पालना दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप को याद करते साकार रूप में पाठ बजाने की प्रेरणा वाले, प्रेरणा लेने वाले, साथ ही बनने वाले थोड़े थे, लेकिन अब आप सब साथी बने हो। भले साकार रूप में नहीं देखा, लेकिन अब अव्यक्त रूप में पालना ले रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप में पालना लेने वाले हाथ उठाओ। नहीं, साकार में नहीं थे, अव्यक्त में आए हैं, वो हाथ उठाओ। अव्यक्त ब्रह्मा भी कितनी पालना दे रहे हैं अव्यक्त रूप में। शिव बाप तो साथ में है, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी अभी आकार रूप में पालना दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप का साकार तन में होने के कारण स्थापना में बहुत अच्छे से अच्छा पाठ बजाया। ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण भी थे जो ब्रह्मा के समय साकार में थे, वो हाथ उठाना, थोड़े थे। अब ये आए हुए में थोड़े हैं, और भी हैं जो टर्न बाय टर्न आते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में विशेष शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाप याद आ रहा है। साकार में ब्रह्मा बाप की पालना लेने वाले हाथ उठाना। लंबा उठाओ लंबा, थोड़े हैं। चलो आगे, अभी अव्यक्त ब्रह्मा की पालना ले रहे हैं, इसलिए अपने को कहलाते हो ब्राह्मण। साकार ब्रह्मा के साथ पाठ बजाना ये भी भाग्य की निशानी है। यहाँ भी क्यों लगा दिया?
लेकिन अब भी सभी बच्चों को बाप दादा दोनों मिलकर के सेवा कर रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं, बाप दादा बच्चों का भाग्य देख, वाह बच्चे वाह, ये गीत गाते हैं। लेकिन अब भी दोनों ही मिलके बाप दादा दोनों ही बच्चों की सेवा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप की पालना का विशेष पाठ है, पालो बाप दादा दोनों को करो। क्योंकि सभी के दिल से याद करते हैं ब्रह्मा बाप को, और साथ साथ आज के विशेष दिन पर सभी के मन में अमृत वेले से लेके बाप दादा दोनों की शिक्षाएं बार बार स्मृति में आ रही हैं। ब्रह्मा बाप की विशेष शिक्षा है, स्मृति स्वरूप बाप दादा के बनो, अकेले बाप के नहीं, अकेले ब्रह्मा बाप भी नहीं, दोनों को याद करो, दोनों की पालना आगे से आगे बढ़ा रही है। तो आज विशेष दिन के हिसाब से विशेष ब्रह्मा बाप की याद सबके दिल में है और फॉलो फादर कर रहे हैं, क्योंकि साकार में आपके समान ब्रह्मा बाप भी रहा। तो ब्रह्मा बाप सदैव कहता है बाप दादा दोनों को फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में रहते, साकार में पाठ बजाते बच्चों से भी और बाहर की सेवा में भी, ऐसे आप भी फॉलो ब्रह्मा बाबा करो। और बाप दादा ने देखा बच्चे दोनों को फॉलो करके चल रहे हैं। बाप दादा दिल में रोज अमृत वेले उन सिकीले बच्चों को जो फॉलो करने वाले हैं उन्हों को विशेष याद प्यार देते हैं, वाह बच्चे वाह, ये वरदान देते हैं। तो आज के दिन जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी है या सुनी है, ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं ना। ब्रह्मा बाप की आप जैसे साकार में होते, सर्व संबंधों में आते, प्रैक्टिकल लाइफ सुनी या देखी, तो ब्रह्मा बाप ने आज विशेष बाप दादा दोनों को फॉलो करने वाले बच्चों को सामने लाके विशेष याद प्यार दी। तो ब्रह्मा बाप को उनकी याद स्वीकार की, बहुत बहुत दिल से प्यार दिया है, प्यार माना फॉलो फादर का वरदान मिलना। तो सब बाप दादा को फॉलो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं तो हाथ उठाओ, भले देखा नहीं है ब्रह्मा बाप को साकार में, लेकिन चरित्र सुन करके ब्रह्मा बाप से दिल में मिलन मनाने मनाते चलो, मिलन मनाते फॉलो भी कर रहे हैं। 18:14 की वाणी का दूसरा पेज। ब्रह्मा बाप भी बच्चों पर खुश है तो फॉलो ये कभी नहीं छोड़ना।
बाप दादा दोनों को फॉलो करो, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने आप ही जैसा साकार रूप में पार्ट बजाया और पास हो गए। आज का यादगार ब्रह्मा बाप के पास पास होने का है। फॉलो फादर है ना, तो फॉलो फादर है, फॉलो करते हो किसको? ब्रह्मा को और शिव बाबा को। किसको किसको फॉलो करते हो? हैं? दोनों ही प्रैक्टिकल पार्टधारी हैं या अलग अलग हैं? हैं? अलग अलग हैं या एक ही पर्सनालिटी है? हैं? ब्रह्मा बाबा साकार जिसको फॉलो करने की बात बोली, और शिव बाबा जो अभी वर्तमान में भी है, पहले भी था, लेकिन पहले किस रूप में था? माँ के रूप में था। तो फॉलो करते हो ब्रह्मा और शिव बाबा को। जो फॉलो कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। आज अमृत वेले अव्यक्त ब्रह्मा बाप ने विशेष दिल से अति स्नेह रूप से एक एक बच्चे को बहुत स्नेह से मर्ज किया, साकार में मर्ज कर बहुत याद प्यार दिया। आपने देखा इतना प्यार साकार रूप में बाप देता, जो देखते हो दिल में संपूर्ण बनने का उमंग उत्साह आ जाए। तो आप सबके मन में ब्रह्मा बाप उनके समान साकार में पार्ट बजाने का स्मृति में रहता है ना? देखा नहीं है, सुना तो है ना? ब्रह्मा बाप ने साकार में क्या किया, कैसे प्रीति की रीति निभाई, सेवा भी की, प्रीति की रीति भी निभाई। फॉलो फादर करने वाले हो ना, तो हाथ उठाओ जो करने वाले हैं, कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और कराए भी रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप से साफ का प्यार है। भले साकार में नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मा बाप की पालना सुनते हो, फॉलो करने का संकल्प दिल में आता है। तो आज ब्रह्मा बाप का विशेष याद प्यार का दिन है, यादगार का दिन है, और ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को, हर जोन को इमर्ज किया। जोन में तो आप सब होंगे ना, तो एक एक को याद प्यार दिया, याद मिली, हाथ उठाओ, बहुत प्यार से याद किया। वाह बच्चे वाह, सिकिले बच्चे वाह। और अभी भी ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त रूप में मिलते रहते हैं।
तो सभी बाप दादा की पालना में चल रहे हैं ना, कि कभी कभी मिस भी करते हैं, जो चल रहे हैं, अटेंशन है ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों में फॉलो करने का उमंग उत्साह है, वो हाथ उठाओ। कौन कौन दोनों है, किन दोनों को फॉलो करने की बात बताई? ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों में फॉलो करने का उमंग उत्साह है, अटेंशन है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, भले ब्रह्मा बाप को कई बच्चों ने देखा नहीं है, लेकिन जानते तो है ना। क्या हमारा बाप है? ब्रह्मा बाप को याद करते सहज साकार में पालने में ताकत आती है। कईयों को मुश्किल लगता है ना, क्यों? ब्रह्मा बाप को याद करते सहज ताकत भी आती है बहुतों को, लेकिन कईयों को मुश्किल लगता है, क्यों है? ब्रह्मा बाप को साकार में देखा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर देखा भी है और फिर भी मुश्किल लगता है, तो उनकी वाणी को फॉलो किया है, या कुखवंशावली बने हैं? वाणी को फॉलो करने वालों को कठिन लगेगा। आज की दुनिया में फॉलो करना मुश्किल भी लगता है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने कितना पार्ट एक्यूरेट बजाया, ऐसे ही फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने भी तो सामना किया। यहाँ भी लगा दिया, लेकिन पास हो गए। तो आप सबका भी ये दृढ़ संकल्प है कि अंत तक पार्ट बजाते पार्ट में पास होना ही है, और हुआ ही पड़ा है। तो हुआ पड़ा है कि होना है? हुआ पड़ा है, ये निश्चय है ना। हमारी विजय पाने का मौसम है। कौन सा मौसम? ये संगम युग की विशेषता है। तो समय की विशेषता को यूज करते चलो, ये वरदान है संगम युग को। क्या क्या वरदान? विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा को फॉलो करने का वरदान है, तो सभी वरदान यूज करते हैं, हाथ उठाओ।
ब्रह्मा बाप और शिव बाप, और तीसरा ब्रह्मा बाप शिव बाप और तीसरा बाप दादा का वरदान चल रहा है। ब्रह्मा बाप कौन और कब? जब साकार में थे तो भी उनका वरदान था, और अभी अव्यक्त हैं, गुलजार दादी के द्वारा बोलते हैं तो भी उनका वरदान चल रहा है। और दूसरा किसका वरदान? शिव बाप का। तो शिव बाप गुलजार दादी के द्वारा नहीं है, अलग है क्या? गुलजार दादी के द्वारा जो वाणी बोली जाती है या वरदान दिया जाता है वो शिव बाप का वरदान नहीं है क्या? सिर्फ ब्रह्मा बाप का ही है, है? अरे मुझे गए या शिव बाप कोई अलग है? नहीं, फिर यहाँ क्यों बोला? तीन का वरदान चल रहा है, ब्रह्मा बाप का, शिव बाप का और बाप दादा का। इनमें सिंगल सिंगल कौन है और डबल कौन है, कंबाइंड कौन है? हैं? बाप दादा कंबाइंड है और ब्रह्मा बाप साकार में सिंगल था, अभी अव्यक्त में सिंगल कहें या डबल कहें? डबल। कैसे? गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं इसलिए डबल, लेकिन गुलजार दादी तो सेंस में रहती है, हैं? गुलजार दादी जिस समय ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं तो सेंस में होती है नहीं, तो वो भी सिंगल। और शिव बाप है? शिव बाप सिंगल या डबल? डबल। कैसे कैसे? शिव अलग बाप अलग है? शिव निराकार और बाप साकार। तीन के वरदान की बात बताई, ब्रह्मा बाप, शिव बाप और बाप दादा, तीनों का ही वरदान चल रहा है अभी संगम में। तो शिव बाप एक है या डबल है? हाँ, बाप दादा डबल कंबाइंड है। आज तो ब्रह्मा बाप का यादगार दिन है ना, तो सुबह से लेके ब्रह्मा बाप को 7 साल साकार में पालना करने का अटेंशन रहा ना। ब्रह्मा बाप ने कैसे किया? कितना प्यार निराकार बाप से लिया और दिया भी।
निराकार से लिया या साकार से लिया? ब्रह्मा बाप ने है साकार से लिया। साकार को पहचानते थे, साकार शिव बाप को पहचानते थे, पहचाना। जब पहचान नहीं नहीं तो लिया कहाँ से? तो निराकार से लिया, ज्योति बिंदु से लिया या साकार से लिया? तो आज ब्रह्मा बाप को देखने वाले तो कम हैं, लेकिन जिन्होंने ब्रह्मा बाप को साकार में देखा वो लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, ये सब मेजॉरिटी इस तरफ बहनों की तरफ पीछे आए हैं। हाँ, जो ब्रह्मा बाप के समय में आए हैं वो हाथ उठाओ, पीछे आने वाले हाथ नहीं उठाए रहे हैं। तो आज ब्रह्मा बाप ने विशेष सभी बच्चों को, चाहे पुराने चाहे नए, दोनों को बहुत बहुत दिल से याद दिया। आ गए ब्रह्मा बाप सामने, सामने आ गया हाथ उठाओ, सभी के दिल में आ गया, क्योंकि चित्र तो सबने देखा है ना। तो आज का दिन याद तो साथ साथ बाप दादा दोनों आते हैं, लेकिन आज विशेष दिन के कारण जिन्होंने पालना ली है ब्रह्मा बाप द्वारा, उन्हों को याद ज्यादा आती है। तो ब्रह्मा बाप ने जो साथ रहे, प्रैक्टिकल पालना ली, उन्हों को विशेष याद सिर पर हाथ घुमा करके ऐसे करने दी, करते देते दी तो सभी को है, लेकिन पहले उन्हों को दिया जो साकार में साथ थे, फिर सभी को दिया। तो आज ब्रह्मा बाप का दिन होने के कारण विशेष ब्रह्मा बाप की याद आप हरेक को ब्रह्मा बाप ने दी है। अच्छा, अभी तो समय हुआ, आज कौन कौन को मिलना है? अठारह जनवरी 14 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज, उन्होंने कहा सेवा का टर्न इंदौर का है, इंदौर हॉस्टल की कुमारियां भी आई हैं, बाकी टोटल 7,000 आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत करके इंदौर वाले आए हैं। इंदौर वाले हाथ उठाओ, मुबारक हो, अच्छा है। संदेशी जब भी वतन में जाती है तो ब्रह्मा बाप खास बच्चों को वाह बच्चे वाह करके याद करते हैं। अच्छा, इंदौर वाले सब पुरुषार्थ में आगे से आगे है ना, कोई पीछे नहीं रहना। पीछे रहने वालों को प्राप्ति भी तो पीछे होगी ना।
इसलिए सदा नंबर वन। बाबा इंदौर वाले किसे कहते हैं? हैं? जो डोर के अंदर रहते हैं उन्हें इंदौर वाला कहते हैं। तो क्या कोई आउट ऑफ द डोर भी होने वाले हैं? हैं? सिर्फ अंदर ही नहीं रहते, बाहर भी रहते हैं। तो इंदौर वालों के लिए बोला खास, कोई भी पीछे नहीं रहना। सदा नंबर वन। हमेशा हर कार्य में नंबर वन जाना ही है। चाहे अभी इंदौर जोन है, लेकिन आए तो सभी जोन है, तो खास आज इंदौर को और सभी को ब्रह्मा बाप की तरफ से विशेष याद प्यार। इंदौर वाले हाथ उठाओ, बहुत अच्छा पाठ बजाया। सेवा का फल स्वयं भी लिया औरों को भी दिया, अच्छा किया। कोई ने कहा डबल विदेशी 400 आए हैं, खास डबल विदेशियों को डबल याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा को विश्व कल्याणी प्रसिद्ध करने में विदेशी निमित्त बने हैं। पहले भारत कल्याणी थे, ये क्या बात? विदेशी कैसे भारत कल्याणी थे पहले? भारत के साथ तो पहले जो भारत कल्याणी थे, अभी विश्व कल्याणकारी नाम, विश्व कल्याणी नाम प्रसिद्ध है। तो विदेश ने कमाल की ना, बाप दादा भी विदेश, विशेष विदेशी बच्चों को दिल से आफरीन देते हैं। पहचान तो लिया, लेकिन सेवा भी कर रहे हैं। विदेश की सेवा हमेशा सुनते रहते हैं। अच्छे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कलकत्ता के ग्रुप ने तीनों स्थानों पर फूलों का अच्छा श्रृंगार किया है। जिन्होंने फूलों का श्रृंगार किया वो अभी हैं,
अच्छा भले आए जो आए, बाप दादा बच्चों को देख करके खुश होते हैं, अपने घर में आए हैं, ये तो सेवा के कारण अलग अलग गए हैं, बाकी हैं तो सभी मधुबनवासी। अच्छा बाप दादा को तो हर एक बच्चा दिल में समाया हुआ है, चाहे कहां भी रहते हैं देश में या विदेश में, लेकिन दिलाराम के दिल में समाये हुए हैं। अच्छा दादी जानकी से लंदन जा रही है इसलिए खुश है, इसलिए खुश है क्यों, लंदन में क्या है, लंदन में क्या है खुशी की बात, लंदन की इंचार्ज है इसलिए। ये सदा खुश है, बाप साथ देंगे, कौन सा बाप साथ देंगे, ब्रह्मा बाप साथ देंगे, शिव बाप साथ देंगे या बाप दादा साथ देंगे, हैं? बाप दादा साथ देंगे। अरे ब्रह्मा बाप साथ क्यों देंगे, क्योंकि साकार में साथ में रही है निर्वैर भाई से, तबीयत ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से हॉस्पिटलाइज थे तो पूछा तबीयत ठीक है, हिसाब पूरा हुआ, अभी वो हिसाब तो पूरा हुआ, कौन सा हिसाब, शरीर का हिसाब तो पूरा हुआ, फिर रहा हुआ कौन सा है, हिसाब पूरा हुआ सेवा हुई। अच्छा मोहिनी बहन से खुश रहती हो, खुशी ही चला रही है बाप की याद के साथ, खुशी भी चला रही है, ब्रजमोहन भाई से ब्रजमोहन भाई ने बोला ओ आरसी वालों की और मोहित भाई की याद, उसको देना टोली भेज देना रमेश भाई से, तबीयत ठीक है गोलक भाई से, ठीक है सदा ठीक रहना ही है और कोई सवाल ही नहीं, सब ठीक रहने वाले हैं। अच्छा ओम शांति,
बाप तो बहुत ही समझाएंगे ना। क्या कहा? बेसिक में जो ज्ञान देते थे शुरुआत में, वो बहुत समझाते थे, गहराई से समझाते थे, तो थोड़ा बहुत समझाते थे। वो भी किसी को समझ में आया? आया नहीं आया? तो बाप तो बहुत समझाएंगे ना। भविष्य की बात बताई या वर्तमान की या पास्ट की? समझाएंगे मना, कब समझाएंगे? है भविष्य में समझाएंगे मना? 64 की बात नहीं है। जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष का पाठ खुलता है उसके बाद की बात है। बच्चे गंदे नहीं बनना है, कोई के भी पीछे गंदे नहीं बनना है। कोई माने किस तरफ इशारा किया है? अरे बाबा ने कोई इशारा किया होगा ना। कोई माने क्या है? तो बहुत सुंदर आ जाती है। अरे पहले तो जिंदगी में इतनी सुंदर नहीं आई थी, अभी संसर्ग संपर्क में आई है हमारे भाग्य से, तो चलो डूब लो। इसलिए बोला कोई के पीछे नहीं गिरना है। कुमारियों को भी समझाएंगे क्या? कोई कहे अरे कुमारियां तो कुमारी होती हैं, वो थोड़े ही गिरती हैं। बाप कहते कुमारियां भी आपस में लगाव झुकाव में आ जाती हैं। क्या? शारीरिक लगाव झुकाव में आ जाती हैं। वो भी गिरती हैं, तो उनको भी समझाएंगे और कुमारों को भी समझाएंगे। ऐसे नहीं अधर कुमार अधर कुमारियों को ही समझाते रहेंगे, या कोई ऐसे समझ ले कि जो शादीशुदा हैं वो ही गिरते होंगे? नहीं, माया किसी को छोड़ती नहीं है। बरोबर खुद लिखते हैं, अरे बाबा माया ने हमको गटर में गिरा दिया। तो बाप क्या कहेंगे? मुआ काला मुंह किया अपना, हम तुम्हारा साफ मुंह करते हैं गोरा बनाने के लिए, तुम अपना फिर काला मुंह कर देते हो। तो देखो गिरा ना। तो ये गीत है क्या? क्या गीत गया बोला था है? हमें उन राहों पर चलना है जहां घड़ी घड़ी गिरना और घड़ी घड़ी संभलना है। तो संभलना भी है और गिरना भी है। तुम बरोबर देखते हो सुनते हो कि कितनी संभलने की और गिरने की चटापटी होती रहती है। बाबा समझाते समझाते अरे फां हो जाते हैं। कोई तो अच्छे बच्चे निकलते हैं और कोई तो डॉट डॉट डॉट। तुम लोग जो सेंटर पर रहने वाले हैं, यहां रहने वाले हैं या कहां भी सेंटर पर रहने वाले हैं ना, देखा था हमारे पास बैठे बैठे भी फां हो जाते हैं।
अभी नहीं देखती होंगी। तुमने देखा था ना राज बहादुर, कितना अच्छा सर्विसेबल बच्चा था और कितना वफादार आज्ञाकारी। और देखो एक ही तरफ चमाट मारी और एकदम फां हो गया। सो गया ये बिल्कुल चट्ट खाते में। मर गया माना सो गया। बाप के पास जो जन्म लिया और एक ही थप्पड़ लगाया और मर गया। देखो फिर कुल को कलंक लगाते हैं ना, परंतु ये ड्रामा है। एकदम शुरू से देखो बहुत ही कुल को कलंक लगाते आए हैं। कितने गए हैं, कितने जाकर के गंदे बने हैं। बाबा कहते हैं गिराने वाली माया है। इतना आधा कल्प दुख देने वाली कौन है। कहते हैं मेरे ऊपर तो ये दोष रखते हैं कि ईश्वरी सुख देते हैं, ईश्वरी दुख देते हैं, परंतु ईश्वर को बाप न समझे हैं। सो भी कौन सा बाप है। अरे सामान्य बाप है क्या, 84 जन्म वाला कौन सा बाप है, है? बेहद का बाप जिसको परमात्मा कहा जाता है, उसके ऊपर दोष देते हैं क्या। तो ही सुखदाता है, तू ही दुख देने वाला है। भाई परमात्मा कभी किसको दुख कैसे देंगे। परमपिता परमात्मा अगर दुख देते हैं तो फिर बाकी जो मनुष्य हैं एक दो में बड़े ही दुख देंगे, एकदम कितना दुख देंगे। जैसे बाप तैसे फिर बच्चों के काम, जैसे बाप वैसे बच्चे हो पड़े। परंतु बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम अपने लिए ही आप ही ऐसा कर्म बनाते हो। संग दोष में आकर के, संग दोष में आकर के अच्छे अच्छे बच्चे बड़े उल्टे कर्म कर देते हैं। १९/९/64 की वाणी का चौथा पेज पांचवी लाइन सातवीं लाइन। तो जो उल्टे कर्म कर देते हैं फिर उनको याद ही नहीं रहती है बेहद के बाप की, यानी बाप को भी भूल जाते हैं। क्योंकि
क्यों भूल जाते हैं? हैं? क्यों भूल जाते हैं? बाप को क्यों भूल जाते हैं? कोई कारण होगा? बच्चे ही नहीं भूल जाते हैं, ढेर के ढेर भूलते रहते हैं। क्या कारण होगा? क्योंकि ये साधारण है ना, तो मनुष्य समझते हैं, मनुष्य की तो बात ही या नहीं है। बच्चे समझते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इनमें जो भी है ये वही है जो शिक्षा देते हैं, तो जो शिक्षा देते हैं वो अच्छी शिक्षा देंगे ना, वो कोई खराब शिक्षा नहीं देंगे। तो भी देखो उनको भूल जाते हैं, क्योंकि जिनका योग पूरा नहीं है, ये तो बाप समझते हैं कि योग पूरा नहीं है। सिर्फ ऐसे मत समझो कि कोई भाषण करने वाले हैं। तुमको सुनाया था ना, एक कथा थी, कथा करने वाले को कथक का कहा जाता है। क्या करते थे कि राम राम कहने से सागर भी तरा जा सकता है। क्या कहते थे? राम राम कहने से कौन सा सागर है? विषय विकारों का सागर भी पार किया जा सकता है। ये 63 जन्म क्या हुआ? विषय विकारों का सागर हुआ ना। और इसकी शूटिंग कहाँ होती है? है संगम युग पर शूटिंग होती है। तो अभी की बात है ना, तो नदियां क्या बात है? तो देखो ये कथन किया ना, कथक बनाई दिया, बहुत दिखलाया। जब उनको कहा अच्छा तुम चलो राम राम कह करके एक पानी का टुबका तो लगाओ, तो बोला नदी में जाने के लिए नदी तो बहुत गहरी है, बोला बोट ले आओ। तो देखो कथा करने वाला होशियार तो बहुत था, परंतु जो कहता था वो कर नहीं सका। तो सिर्फ कथन की बात नहीं है, कथने करने और रहने इन सब में पास होना पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं कि भूल करते हो माना गिर गए, कोई न कोई भूल होती ही रहती है। ये भूल और अभूल की लड़ाई है। बाबा एक तरफ में अभूल बनाते हैं, माया दूसरी तरफ में अच्छे अच्छे महारथियों को भी नाक से पकड़ लेती है। उनको पता ही नहीं पड़ता है कि हम कोई भूल करते हैं। बाबा बैठ करके बच्चों को कहते हैं कभी भी कहां भी हो कोई भी भूल करो तो माफी मांगो।
कोई भूल करते हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं आई बैग योर पार्डन, जिसकी भूल करते हैं। अभी समझो शिव बाबा की कोई भूल करते हैं और शिव बाबा कहते हैं कि तुम्हारी भूल है, भूल बताते ना, तो फिर क्या कहना चाहिए? आई एम सॉरी, आई बैग योर पार्डन, यानी हम तुम्हारी क्षमा चाहते हैं। तो इस बात की भी फजीलत नहीं रहती है कि हम कोई भूल करते हैं, कड़ी कड़ी भूलें करते रहते हैं, तो फिर हम शिव बाबा को कहें कि आई एम सॉरी बाबा, हमारे से भूल हो गई, आई बेग योर पार्डन। तो वो फजीलत भी अभी तक बहुतों में नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रही है, अपन को मियां मुट्ठू समझते रहते हैं। ओम शांति।